वेलकम बैनल अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारा यूनिट फर्स्ट ऑफ क्लास ट्वेल्थ फिजिकल एजुकेशन और ये सबसे आसान चैप्टर है इस चैप्टर को मैं दो पार्ट्स में बनाऊंगा एक पर्टिकुलर पार्ट part जो ये वाला पहला पार्ट है इसमें हम सारी थियोरी कवर करेंगे पार्ट टू जो कि एक कंप्लीट अलग से पार्ट होगा जिसमें हम फिक्सर्स ड्रॉ करना सीखेंगे विद बाय सीडिंग कुछ अलग कॉन्सेप्ट हैं जो आपको प्रैक्टिकली सीखने होंगे तो उसको कंप्लीटली अलग रखेंगे और इसको खत्म कर लो तो आपका चैप्टर वन हो जाता है कंप्लीट चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और इस छोटे से टॉपिक को खत्म करते हैं चलिए लेट्स बिगे तो शुरू करते हैं हम लोग चैप्टर के नाम के साथ जो कि है मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स तो देखो जब भी हम मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स की बात करते हैं तो ये बोल रहा है कि जितने भी स्पोर्टिंग इवेंट्स होते हैं उनको कैसे मैनेज करा जाता है देखो स्पोर्टिंग इवेंट्स में बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं बहुत सारी टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं आपको वेन्यू देखना पड़ता है आपको गेस्ट के बारे में देखना पड़ता है तो एक पूरी टीम है जो मिलकर काम करती है एंड टीम को मैनेज करने में जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो है मैनेजमेंट क्योंकि मैनेजमेंट होता ही क्या है मैनेज मैन एंड थिंग्स मैनेजमेंट जब हम लिखते हैं तो मैनेजमेंट क्या होता है कॉमर्स वाले तो बहुत अच्छे से समझ रहे हैं यहाँ पे क्योंकि उनका बिजनेस स्टडीज पूरा है ही इस पर बट फिजिकल एजुकेशन साइंस वाले स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं ह्यूमैनिटीज वाले भी देख रहे हैं तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो मैनेज Men and things, मतलब होता है थिंग्स तो आपको किस तरीके से सभी स्पोर्टिंग इवेंट्स को मैनेज करना है कंसीडरिंग ऑल द मेन यानी जितने भी लोग उसमें काम कर रहे हैं अब यहां पे मेन से कोई जेंडर की बात नहीं हो रही मेन एंड की बात नहीं हो रही यहां पे मेन का मतलब है जो भी लोग एसोसिएटेड टूर्नामेंट इंक्लूडिंग एवरी वो आ गए एंड थिंग्स जो भी इक्विपमेंट जो भी चीजें हैं सब कुछ इसके अंदर कवर हो गया तो क्या लिखा हुआ है स्पोर्ट इवेंट मैनेजर्स डील विद अ वाइड रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग एंड एग्जीक्यूटिंग सपोर्टिंग इवेंट सर ये प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग क्या है इनको हम लोग बोलते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जब भी मैनेजमेंट का नाम आएगा तो इन पांच चीज़ों का नाम आएगा जिसको हम बोलते हैं पोस्ट डी सी पी ओ एस डी सी प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग सर होता क्या है ये पोस्ट डी सी तो जब हम बात करते हैं विल स्टार्ट विद प्लानिंग प्लानिंग का मतलब होता है पहले से एडवांस में सोचना थिंकिंग इन एडवांस पहले से सारी चीजें सेट करना व्हाट टू डू हाउ टू डू व्हेन टू डू हु विल डू व्हाट विल बी द राइट टाइम हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल बी इन्वॉल्व हाउ मेनी प्लेयर्स विल बी इन्वॉल्व हाउ मेनी स्कूल्स विल बी इन्वॉल्व हाउ मेनी जजेस विल बी देयर तो सब कुछ पहले से प्लान करके रखना ताकि सब कुछ परफेक्शन के साथ परफॉर्म किया जाए इसी को हम लोग क्या बोलते हैं प्लानिंग तो क्या लिखा है इन स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स इवेंट्स प्लानिंग प्लेज इंपॉर्टेंट रोल टू मेक द इवेंट रन स्मूथली defines the द एम गोल्स It इट शुड explain एक्सप्लेन द प्रोसीजर और मेथड टू अचीव द टारगेट इन simple वे इसके बाद आप example लिख सकते हो जो मैंने आपको इतनी सारी चीजें बताई ठीक है इसके बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग सर ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है अब देखो आपने चीजें प्लान कर ली अब एक अकेला इंसान वो सब नहीं कर पाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा छोटे 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 अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाने पड़ेंगे यानी कि एक फाइनेंस का काम देख रहा है एक फर्स्ट एड देख रहा है जो हम अभी आगे कमिटीज भी पढ़ने वाले हैं कमिटीज यही होती हैं बेसिकली हर अलग अलग चीज के लिए अलग टीम बना दी जाती है जिसका काम ही वो करना होता है तो ये जब हम अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना रहे हैं अलग अलग काम को डिवाइड कर रहे हैं इसी को हम ऑर्गेनाइज करना बोलते हैं इसी को हम ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं तो क्या है इट इज अ नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्लानिंग इट इज द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान इट इंक्लूड्स डिस्ट्रीब्यूटिंग रिसोर्सेज यानी रिसोर्सेज बांट देना एंड ऑर्गेनाइजिंग पर्सनल इन ऑर्डर टू अचीव गोल्स ऑर्गेनाइजिंग पर्सनल अभी हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे यहाँ पे आप ये मान के चलना कि बस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क करना है डिविजन ऑफ वर्क करना है बस अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाने हैं आपको यहाँ पे ओके okay. इसके बाद क्या आता है हमारे पास स्टाफिंग स्टाफिंग क्या है काम बांट दिया अब कौन ऐसे लोग हैं जो मोस्ट सुटेबल हैं उस काम को करने के लिए उसको हम क्या बोलते हैं स्टाफिंग हु विल बी द द मोस्ट मोस्ट पर्सन विद क्वालिफिकेशन एंड सही, सही इंसान को रखना ही स्टाफिंग है सही है ना अब जैसे आपने कोई एक ऐसी कमेटी बनाई या एक ऐसी टीम बनाई जिसमें बहुत रिस्पॉन्सिबल लोग चाहिए तो आपको ऐसे ही लोगों को अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा ना तो वो सही से करना ही स्टाफिंग होता है क्या है स्टाफिंग दिस रेफर्स टू आइडेंटिफाइंग की स्टाफ पोजिशन एंड एनश्योरिंग दैट प्रॉपर टैलेंट इज सर्विंग द स्पेसिफिक ड्यूटी इन ऑर्डर टू अचीव द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ठीक है इसके बाद डायरेक्टिंग क्या होता है सर डायरेक्टिंग में बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं यहाँ से एक्चुअल काम शुरू होता है भाई आपने प्लान कर लिया हमें ये टूर्नामेंट कराना है ऑर्गेनाइज कर लिया कि इतने इतने लोग होंगे जो ये ये काम कर रहे होंगे स्टाफिंग वो कौन लोग होंगे अब जो टीम लीडर है हर टीम का कोई ना कोई लीडर होगा वो डिफाइन करेगा कि क्या काम है मोटिवेट करेगा लीड करेगा तो जो डायरेक्टिंग है इसके अंदर चार एलिमेंट्स होते हैं सुपरविजन यानी सुपरवाइज करना मोटिवेशन यानी मोटिवेट करना अपने सारे टीम मेंबर्स को लीडरशिप लीड बाय एग्जांपल, आगे से बढ़ के काम करना साथ में लीडरशिप बेसिकली होता है कि आई को हटाओ और वी को लेके आओ मैं नहीं हम लोग काम कर रहे हैं सही और लास्ट में होता है कम्युनिकेशन तो डायरेक्टिंग में आप चार चीजें बहुत अच्छे से लिख के आ सकते हो मोटिवेशन सुपरविजन लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन सही है जी लास्ट होता है कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग क्या होता है कंट्रोलिंग का मतलब होता है चेक करना कि ठीक से काम हो भी रहा है या नहीं हो रहा है जो हमने प्लान बनाए थे एज पर प्लान सभी लोग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं जल्दी तो नहीं कर रहे या लेट तो नहीं कर रहे कुछ गलती कर रहे हैं तो उसको अभी ठीक कर दो ताकि वो गलती बड़ी गलती ना बन जाए हम लोग बोलते हैं ना कोई अगर बीमारी है तो शुरू में ही ठीक कर दो ताकि वो बड़ी बीमारी ना हो जाए तो ये बेसिकली सब एक ओवरव्यू लेना कि काम ठीक से हो रहा है नहीं हो रहा है और अगर कोई मिसमैच है प्लान में और जो काम हो रहा है उसको ठीक कर लो इसी को हम कंट्रोलिंग बोलते हैं तो पांच चीजें चाहिए मैनेजमेंट में प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग एंड अब ये सब काम करने के लिए अब एक नीचे अलग अलग कमिटीज होती हैं बहुत सारे अलग अलग, अलग 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 ग्रुप्स होते हैं जो सारा का सारा काम कर रहे होते हैं उन ग्रुप्स को हम लोग क्या बोल देते हैं वेरियस कमिटीज ऑर्गेनाइजिंग कमिटीज ठीक है अब ये जो ऑर्गेनाइजिंग कमिटीज हैं ये कई प्रकार की हो सकती हैं काम को ऑर्गेनाइज कराने के लिए हमने टीम्स बनाई हैं जिनको हम ऑर्गेनाइजिंग कमिटीज बोलते हैं तो कमिटीज कौन कौन सी हो सकती है, है देखो सबसे ऊपर ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास कौन आ गया डायरेक्टर आ गया चेयरमैन आ गया सही सबसे ऊपर कौन आ गया हमारा डायरेक्टर या फिर चेयरमैन उसके नीचे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी होगा जो इनका बॉस होगा मतलब इन सभी कमिटीज का फिर काम को बांटा गया छोटे छोटे छोटी छोटी टीम्स में इनको हम कमिटीज बोलते हैं ठीक है तो जो टीम्स हैं विच आर वर्किंग टूवर्ड्स अ स्पेसिफिक गोल टूवर्ड्स अ स्पेसिफिक टूर्नामेंट टूवर्ड्स अ स्पेसिफिक किसी भी तरीके का कोई इवेंट तो उनको जो छोटी छोटी टीम्स बनाई गई हैं उनको कमेटी बोलते हैं कमेटी का काम क्या होता है देखो नाम से तुम पहचान लोगे तुम लोग ट्वेल्थ में हो तुम्हें बहुत अच्छे से चीजें नाम से ही पता चल जाएंगी ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको खुद ही लिख के आना है बड़ा आसान पब्लिसिटी कमेटी का क्या काम होता होगा सोचो पब्लिसिटी का काम होता है बेसिकली पब्लिसाइज़ करना इवेंट को अलग अलग जगह मार्केट करना लोगों तक पहुंचाना कि ताकि इसकी बढ़िया पब्लिसिटी हो इसके बारे में लोगों को पता हो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करें तभी तो टिकट्स बिकेंगी तो पब्लिसिटी कमेटी का काम होता है हर जगह न्यूज़ में आर्टिकल्स में सोशल मीडिया पे लोगों के साथ बड़े बड़े इवेंट्स में इससे इसको पब्लिसाइज करना तो पब्लिसिटी कमेटी का काम ही होता है कि आपका इवेंट जाना जाए दूर दूर तक पब्लिसिटी कमेटी ठीक है दूसरा क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन कमेटी ट्रांसपोर्टेशन कमेटी का क्या काम होता है सभी के ट्रांसपोर्टेशन का ध्यान रखना कि भाई अगर इंटरनेशनल टूर्नामेंट है या नेशनल भी है तो प्लेयर्स अलग अलग स्टेट से आएंगे इंटरनेशनल तो अलग अलग कंट्रीज से आएंगे तो भाई कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे उनको कैसे एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है ट्रांसपोर्टेशन के क्या मोड्स रहने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन की बसेज अवेलेबल है या नहीं है क्या तरीका रहने वाला है कौन सी डेट पे किसको कहाँ से कहाँ लेके जाना है ये सारे के सारे चीजों का ना कि अकोमोडेशन कौन जितने भी प्लेयर्स हैं जितने भी है, रेफरीज हैं जितने भी ऑफिशियल्स है कौन कहा रुक रहा होगा उनके रहने की क्या व्यवस्था है अकोमोडेशन क्या है उनका ठीक है तो उनका एकोमोडेशन उनका रिफ्रेशमेंट उनका एकोमोडेशन और उनका रिफ्रेशमेंट उनको कोई प्रॉब्लम ना हो रहने में उनका स्टे शानदार हो बोलते हैं ना होटल से जब आप चेकआउट करो तो बोलते हैं ना कि वी होप रियली कि यू हैव अ कंफर्टेबल स्टे है ना तो उस तरीके से चीज़ें बनती है कि आपका स्टे कंफर्टेबल रहा या नहीं रहा कोई दिक्कत तो नहीं रही इस तरीके की चीज़ें ये सब बॉडी एंड लॉजिंग कमेटी का काम है रिसेप्शन कमेटी रिसेप्शन कमेटी का बेसिकली काम होता है वेलकमिंग द गेस्ट गेस्ट को वेलकम करना प्रॉपरली जितने भी आपके गेस्ट आए हैं उनको हर चीज़ को अच्छे से वेलकम करना उनको ऐसा ना लगे कि हमें किसी ने पूछा ही नहीं उनको अच्छे से बात करना उनसे उनको अच्छे से लोगों के सामने प्रेजेंट करना उनके बारे में लोगों को बताना तो ये सब रिसेप्शन कमेटी का काम होता है जो ध्यान रखता है रिसेप्शन का रिसेप्शन समझ गए ना बेसिकली जब इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है जब वेलकम करा जा रहा है गेस्ट का ये वो कमेटी हो गई डेकोरेशन एंड सेरेमनी जो आपका ग्राउंड है वो अच्छे से डेकोरेटेड है या नहीं है जो सेरेमनी हो रही है जहाँ पे जैसे जो मैच होता है मैच के बाद वो अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना कि मैन ऑफ द मैच कौन है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन है कौन बेस्ट बॉलर है कौन बेस्ट बैट्समैन है सबसे बढ़िया कैच किसने पकड़ा तो वो बिल्कुल पीछे अच्छे से डेकोरेट करके सारी चीज़ें करके रखेंगे वो किसका काम होता है सब डेकोरेशन कमेटी का काम होता है उसके बाद सर जिस प्ले ग्राउंड पर खेलेंगे वो ग्राउंड भी तो तैयार होना चाहिए जितने इक्विपमेंट्स चाहिए वो भी तो रेडी होने चाहिए तो ग्राउंड को रेडी रखना इक्विपमेंट्स को रेडी रखना ये सब किसका काम होता है ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी का काम होता है ठीक है इसके बाद रिफ्रेशमेंट एंड एंटरटेनमेंट कमिटी रिफ्रेशमेंट एंड एंटरटेनमेंट का मतलब सभी प्लेयर्स का सभी प्लेयर्स सभी ऑफिशियल सभी गेस्ट जो भी लोग हैं उसके साथ साथ जितने लोगों ने पेड टिकट्स में मील ली होगी वो सब प्रॉपर है या नहीं है उसकी क्वालिटी अच्छी है या नहीं है उसका ध्यान कौन रखेगा रिफ्रेशमेंट एंड एंटरटेनमेंट कमिटी ये इनका काम होता है अनाउंसमेंट कमिटी सारे अनाउंसमेंट करना क्या डेट्स हैं क्या टाइमिंग्स हैं कितने लोग आ रहे हैं किसको कब कार्ड भेजना है कैसे भेजना है हर प्रकार का अनाउंसमेंट

तो उसमें फर्स्ट एड कमेटी पार्टिसिपेट करे मदद करे फाइनेंस कमेटी का बेसिक काम सबसे इंपॉर्टेंट भाई फाइनेंस कोई भी इवेंट कराना है स्पॉन्सरशिप आपके स्पॉन्सर्स कौन है कितना पैसा लग रहा है हाउ मच इज द आउटफ्लो ऑफ द कैश हाउ मच इज द इनफ्लो ऑफ द कैश टिकट बेचोगे तो कितना पैसा आ रहा है कितना पैसा अलग अलग जगह पे इन सब कमेटी को चलाने में भी पैसा चाहिए इन सब का हिसाब किताब कौन रखेगा बजट कौन बनाएगा सारा काम फाइनेंस कमेटी का होता है ठीक है प्रेस एंड मीडिया कमेटी प्रेस और मीडिया के साथ रिलेशंस बना के चलना जिसको हम पीआर भी बोलते हैं पब्लिक रिलेशंस प्रेस के साथ मीडिया के साथ हर जगह रिलेशन बनाना अपने हर इवेंट को अच्छे से पब्लिसाइज करना हर इवेंट को मार्केट में लोगों तक पहुंचाना प्रेस और मीडिया में क्या छप रहा है उसका ध्यान रखना ये प्रेस एंड मीडिया कमेटी का काम है सर्टिफिकेट कमेटी इसका काम मेनली ये होता है प्री टूर्नामेंट इसका काम होता है सारे सर्टिफिकेट्स रेडी करना ड्यूरिंग टूर्नामेंट इसका काम होता है वो सर्टिफिकेट्स अच्छे से वहाँ ग्राउंड में पहुँच गए हैं नहीं पहुँच गए पोस्ट टूर्नामेंट वो प्लेयर्स तक पहुँच गए या नहीं पहुँच गए तो इसका काम होता है सर्टिफिकेट्स गिफ्ट मेडल्स ये सब रेडी हैं या नहीं है तो देखो कितनी सारी अलग अलग कमिटीज बनाई जाती हैं इतना सारा अलग अलग काम के लिए इसका स्क्रीनशॉट लो और आपको हर के पता होने चाहिए जो मैंने आपको बताए हैं वो आप सब अपनी लैंग्वेज में बेसिकली तीन तीन चार चार पॉइंट्स लिख के आ सकते हो आपको मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे तो दिस वॉज ऑल अबाउट कमिटीज गाइज ये हमारी कमिटी आ गई उनके फंक्शन आ गए अब कुछ कॉमन हम लोग चीजें देखते हैं कि प्री टूर्नामेंट ड्यूरिंग द टूर्नामेंट एंड पोस्ट टूर्नामेंट क्या क्या पर्पजेज uh, होते हैं जो कमेटी हल करती है अब हम उसकी तरफ चलते हैं तो ये आ गए अब हमारे पास द प्री टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूर्नामेंट से पहले कौन कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो अलग अलग कमिटीज को परफॉर्म करनी पड़ती हैं ठीक है देखो जैसे सबसे पहले टू प्रिपेयर द बजट बजट प्रिपेयर करके रखना ये हमारी जो फाइनेंस कमेटी है ना उसका काम है बजट अच्छे से प्रिपेयर करके रखना टू प्रिपेयर द बजट ऑफ द टूर्नामेंट ये हमारी फाइनेंस कमेटी का काम है टू प्रिपेयर द शेड्यूल और प्रोग्राम ऑफ द स्पोर्ट्स इवेंट उसके डेट्स, उसका वेन्यू क्या होना चाहिए वो सब डिसाइड करके रखना ये भी प्री टूर्नामेंट है टूर्नामेंट से पहले तो डिसाइड होगा उसके बाद टू फॉर्म द वेरियस टू प्रिपेयर स्पोर्ट्स ग्राउंड ग्राउंड रेडी है या नहीं है कोर्ट रेडी है या नहीं है ट्रैक रेडी है या नहीं है जिस भी तरीके का स्पोर्ट है वो कहाँ खेला जाएगा वो प्लेस रेडी है या नहीं है ये प्री टूर्नामेंट होना चाहिए अलग अलग कमिटी बनाना अलग अलग टूर्नामेंट्स के लिए इन्फॉर्मेशन भेजना अलग अलग टीम्स को डेट्स की वेन्यूज की किस तरीके से होने वाला है टूर्नामेंट के बारे में इन्फॉर्म करना सारे अरेंजमेंट करना बोर्डिंग और लॉजिंग के बोर्डिंग और लॉजिंग सारी की सारी चीज़ें वही है जो मैंने अभी आपको पीछे बताई अकोमोडेशन का ध्यान रखना प्रॉपर स्टे का ध्यान रखना

टू इम्पार्ट फर्स्ट एड अगर किसी को इंजरी हुई है तो फर्स्ट एड रेडी होना चाहिए अलग अलग अनाउंसमेंट्स टाइमली करना कि टूर्नामेंट किस स्पीड से चल रहा है अच्छे से प्रोग्रेस कर रहा है नहीं कर रहा है ये सब चीज़ें डिफाइन करके चलना ठीक है इसके बाद टू चेक द अरेंजमेंट ऑफ रिफ्रेशमेंट रिफ्रेशमेंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है प्लेयर को ऑफिशियल्स को जनता को भी अगर उसने मील वाला टिकट लिया हुआ है उसके बाद टू टू इंश्योर दैट स्पोर्ट्स इवेंट इज बिंग ऑर्गेनाइज एज पर शेड्यूल लेट ना हो कोई भी चीज शेड्यूल के हिसाब से हो टू चेक दैट द ग्राउंड फील्ड कोर्ट रिलेटेड स्पोर्ट्स आर इन ऑर्डर ऑर्डर प्रॉपर में है या नहीं है चीजें वही डिसिप्लिन वाली बात है टू इंश्योर प्रॉपर अरेंजमेंट ड्यूरिंग इनोग्रेशन जब इनोन हो रहा है जब ओपनिंग uh, सेरेमनी है तब सब कुछ परफेक्ट है या नहीं है ये सब भी ड्यूरिंग द टूर्नामेंट आपको सेट करके रखना पड़ता है ठीक है पोस्ट टूर्नामेंट किस चीज का ध्यान रखना पड़ता है पोस्ट टूर्नामेंट तो यार टूर्नामेंट खत्म हो गया गिफ्ट गिफ्ट ियम देना उनको दो। चलते बनो सब सब अपने घर अपने तो क्या है सभी रिजल्ट जो हैं वो प्रॉपरली डिटेल्ड प्रोवाइड करना कि भाई कौन जीता है किस आधार पर जीता है उसके बाद टू तो प्रोवाइड सिक्योरिटी रिफंड्स कई बार ये होता है कि जो टीम्स होती हैं उनसे सिक्योरिटी रखवाई जाती है कि भाई पीछे जो तोड़ फोड़ करोगे तो तुम्हारे पैसे से काट लेंगे जब सब सही रहता है तो फिर वो रिफंड कर दिया जाता है सिक्योरिटी अमाउंट टू कलेक्ट ऑल द रिकॉर्ड्स, सभी रिकॉर्ड्स फाइल्स कलेक्ट करके चलना पेमेंट करना ऑफिशियल्स को उनके ऑनरेरियम उनको सारा पैसा देना जो भी उनका बनता है उसके बाद टू प्रिपेयर रिपोर्ट्स रिलेटेड टू एक्सपेंडिचर कितना खर्चा हुआ पूरे प्रोग्राम में टू प्रेजेंट मोमेंटोज ये हमारे पास मोमेंटोज है ये मीम लिख दिया मोमेंटोज ऑफ़ द चीफ गेस्ट और द गेस्ट ऑफ ऑनर उनको सब थैंक यू वैंक यू बोलना और टूर्नामेंट को खत्म करना ये हमारे पास पोस्ट टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं ठीक है जी अब हमारे पास एक टॉपिक आ रहा है और इससे इस पक्का क्वेश्चन आएगा तो इस पर टाइम लगाएंगे और इसको कल कंप्लीट करेंगे बड़े आराम से हो जाएगा कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसमें मुझे समय लगाना है तो मैं आराम से समझाना है तो इसको अलग से समझाऊंगा इससे पहले आप इतना पार्ट तैयार करो और आपका चैप्टर हो गया है समाप्त तो यही था बस छोटा सा चैप्टर था एक तो कमिटीज के बारे में पता होना चाहिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता होना चाहिए और पहले में मैनेजमेंट के बारे में प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग इसको अलग से कराऊंगा आपका चैप्टर वन हो गया है समाप्त मिलता हूं आपको मैं कुछ और देर में एक और नई वीडियो के साथ और हम कवर करके चलेंगे हमारी सारी फिजिकल एजुकेशन मैंने प्ले प्रॉपर मेंटेन कर दिया प्ले लिस्ट चेक कर लेना सारे चैप्टर्स डाल दिए अच्छे से आपकी सारी तैयारी हो जाएगी थैंक यू सो मच एवरी